सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छा करता हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके किचन में कि मैडम क्या कर रही है। उसको थोड़ी टांग खींचते हैं तो आपको मिलाते हैं, जब तक के लिए बाय। सो गाइस, हम आ गए हैं किचन में और दूध मैंने गर्म किया है और आटा मैंने लगाया है। देखो गाइस, ये आटा मैंने लगाया है और ये फ्रेश मक्खन मैंने निकाला है और ये मिर्चे जो है ये इसने करी है और ये कढ़ाई पर भी ये लग रही है। नहीं, वो भी आप ही अभी करोगे। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग तो होगी। और गाइस देखो, कल से अब तक नहा ही नहीं है और मैं नहा चुका हूँ। और देखो, दूध भी मुझ पर छुनवा दिया, बिल्कुल काम नहीं करना चाहती। कहती मेरे तो सर में दर्द हो रहा है यहाँ। वो करती है, यहाँ मेरे सर में दर्द हो रहा है। कैसे करती है? मेरे एक साइड में दर्द हो रहा है सर में, तो मेरे हाथ में सर में दर्द होना भी। सो गाइस, ये बहुत एक्टिंग वाज है, काम बिल्कुल नहीं करना चाहते। झाड़ू तो मुझ पे लगवा दी, अब पोछा भी नहीं, तुम ही लगाओगे, मैंने बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मैं क्या बात है, झूठ बोल रहा हूँ, झूठ। सो गाइस, तो इसको कितनी पिट्टी लगनी चाहिए ऐसे? जब नाश्ते में क्या खिलाएगी आपकी? मैं छोपरी और रोटी बस गाइस, एक मिर्ची और नमक की रोटी और मक्खन, बस यही आता है और कुछ आता नहीं। खाओगे पराठे खा के और कितना पेट निकाल लोगे? पेट है कहाँ? देखो गाइस, मेरे पेट है क्या? खत्म हो गया। तो गाइस, ये काम नहीं करना चाहते बिल्कुल, हम तो वाकई में बहुत दुखी हैं। चलो गाइस, देखते हैं कैसे मक्खन रख के देती है, फिर आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए फिर से बाय। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर में अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं। बच्चे गए हुए हैं स्कूल, हस्बैंड गए हुए हैं बाहर, तो मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। आज मैं लंच में बना रही हूँ छोले चावल। और मैं जिस तरीके से मैं छोले बनाती हूँ आज मैं आपको भी दिखाऊंगी। आज मैं आपको अपने छोले की रेसिपी दूंगी। आप लोग भी कमेंट में बताना कि कैसे लगे हैं आप लोगों को, आप लोग भी कैसे बनाते हैं मुझे भी बताना, मैं भी आप लोगों के ट्राई करूंगी। और जैसे मैं बना रही हूँ आप लोग भी एक बार अपने घर में ज़रूर बना के देखना कि कैसे लगते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सो गाइस, ये छोले मैंने रात में भिगोए थे कि मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया, मैंने इनमें पानी भी डाल दिया। आप देखो मैं इसमें क्या क्या डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालिए, साथ में मैं इसमें डालूंगी चना मसाला। गाइज, आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से छोले बना के देखिए, उबालते वक्त आप इसमें चना मसाला जरूर डालिए, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। मैंने इसमें 2 चम्मच चना मसाला डाला है, कोई हल्दी नहीं डालूंगी, बस खाली चना मसाला और नमक। अब मैं इन्हें बॉइल करती हूँ। तो गाइस देखो, मैंने छोले छोकने के लिए सारा सामान तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने टमाटर पीस लिया है, यहाँ पे प्याज और लहसुन है, ये धनिया पाउडर है, ये मिर्च पाउडर है, और ये जीरा है, ये हल्दी, और ये कश्मीरी लाल मिर्च, और लास्ट में है छोले मसाला। ये मेरी धनिया और मिर्च मैं घर में ही पीसती हूँ। देखो गाइस, कोई खड़े मसाले नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल हमारी किचन में जो मसाले रहते हैं वो ही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पे मैं एक बड़े ऑयल डाला है, अब मैं इसमें डाल देंगे जीरा और साथ में प्याज लहसुन का पेस्ट। ये कश्मीरी मिर्च है, इसकी कलर अच्छा आता है।
गाइस कितना अच्छा कलर आ रहा है, और साथ में हमारे यहाँ पे छोले भी उबल गए हैं। हमने इसमें नमक नहीं डाला क्योंकि नमक हम लोगों ने बॉईल करने में डाला था। और अब हम लास्ट में डालेंगे इसमें छोले मसाले। इसे थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर हम इसमें छोले ऐड कर देंगे। देखो गाइस ये पक चुका है, अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें छोले ऐड करते हैं। थोड़ी सी देर पकने देते हैं। देखो गाइस ये हमारी फ्रेश फ्रेश दही है, अब मैं इसका रायता बनाऊंगी। इधर हमारे छोले उबल रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी। अब थोड़ा सा पुदीना। थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। तो गाइस हमारा रायता भी तैयार हो चुका है सिंपल। अभी हमारे छोले उबल रहे हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनेंगे। तो गाइस ये देखो हमारे यहाँ पे छोले तैयार है, कितना अच्छा कलर आ रहा है। मैंने थोड़ा से पानी वाले बनाए हैं क्योंकि मैं इन्हें चावलों के साथ सर्व करूंगी, और साथ में हमारे यहाँ पे चावल भी तैयार है और रायता भी तैयार है, और इधर मैंने केले भी काट रखे हैं। बताना गाइस, तो बताना गाइस आज आपको मेरे छोले की रेसिपी कैसी लगी है। आप लोग भी बना के देखना अपने घर में इस तरीके से कि कैसे लगते हैं, बिना कोई चाय पत्ती डाले कुछ भी डाले, और देखो कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। कैसे लगे छोले चावल? अच्छे हैं? अच्छे हैं? आज मैंने पता कितनी मेहनत से बनाए। बेकार है, बेकार। अच्छा। बेकार है, बेकार। आज मैंने गाइस को भी अपनी रेसिपी बताई है छोलों की। गाइस बिल्कुल बेकार लग रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा। आइए आप खा लीजिए। आपको तो वैसे भी छोले दाल ये सब चीजें पसंद नहीं है। गाइस हम तो डाइटिंग में चल रहे हैं, खीरे रावल खा ले। खा नहीं रहे? ये किसने खत्म करे हैं? इतने खाने बस, इतने खाने थे बस। हाँ मैडम। हेलो गाइस, याद आ गई गाइस की? कैसे हो आप लोग? आजकल सुबह उठ के तो गुड मॉर्निंग इनिंग करती हैं। आप बनवाती नहीं हो ब्लॉग में कहाँ से? ये को कि मैं लेट उठूं और मैं जल्दी जल्दी मैं भग जाऊं। अच्छा चल सही बता दे किस टाइम उठा है? 6:15 हो। साढ़े छह बजे उठी आज? तो आज लेट हो गया, मैं रात लेट सोई थी। बस पढ़ ली है? अब कहाँ जा रही है? ट्यूशन। फैशन शो करके? गाइस मैं जा रहा हूँ। फिर
फिर मैं ट्यूशन से घर आऊंगा, फिर मैं आके थोड़ा सा खाऊंगा, फिर मैं अपना काम तो कुछ है नहीं। क्यों आज कोई काम ना दिया मैडम ने? आज जो स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट तो नहीं होने, खत्म हो गया, छुट्टियां पड़ने वाली है, कल लास्ट मीटिंग भी होने वाली है, परसों मीटिंग है हमारी। सो गाइस, अंकु की पेरेंट्स मीटिंग होने वाली है, देखो क्या होता है, हम आपको दिखाएंगे अंकु की डांट लगेगी क्या होगा। कल लास्ट दिन है और बस, और क्या, और अच्छा। ये देखो छोटे से बच्चे आज भी आ गए, मैं इसका नाम रख दूंगी अब। ये डेली आवे दूध पी के चला जा अपने घर में, फिर आ जाता है सुबह फिर। हाँ।